नमस्कार दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के बारे में एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है जिससे सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमें कुछ नई चीजें पता चलेगी। पूरी घटना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है आप तक हर वक्त पहुँचते रहे। तो दोस्तों 14 जून 2020 में जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में हम सबको पता चली थी, उसी दिन सुबह रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से एक कॉल गया था राधिका बोल के किसी के नंबर पे, और उसी नंबर पे रिया चक्रवर्ती ने करीबन एक घंटा बात किया था। 14 जून 2020 में सुबह 7:35 से लेके करीबन 8:15 तक रिया चक्रवर्ती एक शख्स से बात कर रही थी और उस शख्स का नाम निकल के आया था राधिका। उसके बाद कुछ न्यूज चैनल्स ने राधिका का जो नंबर है वहां पे कॉल करके भी इस बारे में पूछा कि आखिर रिया चक्रवर्ती 14 जून 2020 की सुबह क्यों राधिका के साथ करीबन एक घंटे तक बात करती रही। बाद में पता चलता है कि ये राधिका कोई और नहीं बल्कि राधिका मदन है। राधिका मदन एक एक्ट्रेस है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया था। उनकी एक मूवी भी आई थी जो विशाल भारद्वाज की मूवी थी, उस मूवी में भी उन्होंने काम किया था, मूवी का नाम था पटाखा। तो राधिका मदन थोड़े बहुत मूवीज वो करती है और थोड़े बहुत सीरियल्स वो करती है, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती की काफी क्लोज दोस्त है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी राधिका मदन ने बहुत बार ट्वीट किया है, उन्होंने बार बार पोस्ट किया है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलनी चाहिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती को छोड़ दो। राधिका मदन का यही कहना था कि रिया चक्रवर्ती को जल्द से जल्द बेल मिल जाए, रिया चक्रवर्ती को एक फेयर ट्रायल मिले। इसके बारे में भी राधिका मदन ने काफी बार पोस्ट किया है। ऐसा लगता है कि राधिका मदन रिया चक्रवर्ती की खास दोस्त है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 14 जून 2020 की सुबह ऐसा क्या हो गया था कि राधिका मदन और रिया चक्रवर्ती करीबन एक घंटे तक बात कर रहे थे। सुबह 7:35 में तो ये पता भी नहीं चला था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी, तो सुबह सुबह राधिका मदन से रिया चक्रवर्ती क्या बात कर रही थी? क्या इन दोनों को पहले से ही पता था कि सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई थी? मुझे ये समझ में नहीं आता है दोस्तों कि क्यों वो जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है उसे टैप करके अभी तक हमारे सामने नहीं लाया गया। सीबीआई और एनसीबी राधिका और रिया के बीच क्या बात हुई थी इस बारे में क्यों जांच नहीं कर रही है? राधिका मदन को सीबीआई या फिर एनसीबी किसी ने नहीं बुलाया और राधिका मदन भी रिया चक्रवर्ती के जैसे खुलेआम घूम रही है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रिया चक्रवर्ती का जो पासपोर्ट है जो एनसीबी के पास था वो भी एनसीबी रिया चक्रवर्ती को लौटा देने के लिए राजी हो चुके थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जाना था आईफा अवार्ड, लेकिन किसी और एजेंसी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था जिसके वजह से रिया चक्रवर्ती का आईफा अवार्ड जाना मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन एनसीबी का ये जो फैसला था कि रिया चक्रवर्ती को उनकी पासपोर्ट लौटा दी जाए, ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसमें ये लग रहा है कि एनसीबी ने अभी रिया चक्रवर्ती का जो केस है उसे भी ढीला छोड़ दिया है, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती को उनका पासपोर्ट भी लौटाया जा रहा है। अभी उम्मीद की किरण एक ही है दोस्तों, और वो है सीबीआई। सीबीआई का जो स्टेटमेंट है वो अभी तक नहीं आया है और सीबीआई बहुत लेट कर रही है। बहुत सारे लोग सीबीआई को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीबीआई जो सबूत है वो इकट्ठा कर रही है ताकि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के जो कातिल है उनको अच्छी तरीके से पकड़ा जाए और एक बार पकड़ लेने के बाद वो छूट के निकल ना पाए। आपको क्या लगता है इस पूरी विषय के बारे में? आपको क्या कहना है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।